अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग बॉटनी का एक अनदर इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल जो हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड इट्स अ फोर्थ वन प्रैक्टिकल। और इट्स अबाउट, इसकी अगर स्टेटमेंट देखें तो इसमें बेसिकली हम लोगों ने क्या डिटरमाइन करना है। इसमें हम लोग ये डिटरमाइन करेंगे टू डिटरमाइन द पोटेंशियल अल्कलॉइड्स इन द प्लांट, यानी कि अगर हम लोग प्लांट्स के अंदर में अगर पोटेंशियल अल्कलॉइड फाइंड करना चाह रहे हैं देन हाउ वी कैन डू दिस थिंग। तो इसका थोड़ा सा पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसका सारा प्रोटोकॉल जो है वो डिस्कस करने से पहले। तो अल्कलॉइड जो बेसिकली क्या होती है, नेचुरली है और नेचुरली एक ऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंटेनिंग बेसिस होती हैं, ऑर्गेनिक होती है और नाइट्रोजन कंटेनिंग जो है वो बेसिस है, ठीक है। और अल्कलॉइड जो होते हैं वो डाइवर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑन मैन एंड अदर एनिमल्स। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो है कार्सिनोजेनिक और टॉक्सिक भी होते हैं अगर इनको एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया जाए, और पॉइजनस होती हैं क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग ये बेसिस होती हैं। और अगर हम इसकी जो है वो वेल नाउन एल्कोलाइड्स देखें तो इसमें हमारे पास मॉर्फिन आ जाती है और स्ट्रिक्नीन आ जाता है, जो कि डिफरेंट जो है वो मेडिसिन वगैरह में भी यूज़ किया जाता है। क्विनीन आ जाता है और एफिड्रीन आ जाता है, इसके साथ जो है वो निकोटीन है। तो ये डिफरेंट जो है वो हमारे पास एल्कोलाइड्स के एग्जाम्पल है। The proposed roles of the alkaloids in the plant metabolism or the plant physiology, क्योंकि different जो होते हैं वो plant के अंदर metabolism और catabolism के process होते हैं, और at the end जो हमारे पास products आती हैं जो कि wasteful होती हैं और मोस्टली वो alkaloids होती हैं क्योंकि nitrogen जो होते हैं वो basis होती हैं। तो ये end product जो है हमारे पास आते हैं ये alkaloids की form में आता है, और storage reservoirs होते हैं nitrogen, वो सारे के सारे जो alkaloids होते हैं वो nitrogen containing basis से मिलकर बनाते हैं। दैट्स वाई इट्स अ storage reservoirs ऑफ द नाइट्रोजन। और नंबर थ्री पे जो है वो प्रोटेक्टिव अगेंस्ट फॉर द प्लांट अगेंस्ट द अटैक बाय द predators। और ये काफ़ी ज़्यादा जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं कि दैट्स वाई कि प्लांट जो होते हैं वो इन्हें यूज़ करते हैं कि अगर कोई predators जो होते हैं इनके ऊपर अटैक करता है तो वो एज अ प्रोटेक्शन जो है वो इनके लिए काम करते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग ये चार्ट देख लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो है हम लोगों को इसमें रिक्वायर हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ें हम लोगों को 0.01 मोलर SPI बनाना है, ठीक है। SPI को अगर फर्दर एलाबोरेट करके देखें तो इट्स सोडियम मेटा पायोडेट, ठीक है। और ये हम लोग कैसे बनाएंगे, हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है कि 1 लीटर डिस्टिल जो है वाटर लेना है और इसमें हम लोगों ने डाल देना है 0.241 ग्राम ऑफ द SPI, जो सोडियम मेटा पायोडेट को हम लोगों ने 1 लीटर डिस्टिल जो है वाटर में डाल देना है। तो इस तरह से हमारे पास 0.01 SPI बन जाएगा। तो इसके बाद नंबर टू पे हम लोगों ने क्या बनाना है कि 0.01 मोलर MBTH, ठीक है। और इसको फर्दर एलाबोरेट करके देखें 3-methyl 2-benzoxyxylene हाइड्रोजोन हाइड्रोक्लोराइड। तो ये जो है वो कैसे बनाएगा, इसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोगों ने इसको बेसिकली क्या करना है कि 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर लेना है, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने डिजॉल्व करते हैं 0.251 ग्राम ऑफ द MBTH, ठीक है। तो इसके बाद नंबर थ्री पे हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है, उसके बाद मैंथोनॉल लेना है, और नंबर फाइव पे जो है वो हम लोगों ने इसी लेना। तो ये तो सारी थी रिएजेंट की हम लोगों को कौन कौन सी चीज़ें जो है वो रिक्वायर है। इसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं कि फर्दर जो है वो इसका क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोटोकॉल है। तो क्या करना है कि सबसे पहले हम लोगों ने टेकन 0.1 ग्राम ऑफ फ्रेश प्लांट, क्योंकि प्लांट से हम लोगों को लेनी है, तो प्लांट का जो है फ्रेश जो है प्लांट सैंपल लेना है। और कितना लेना है, इट्स अबाउट 0.1 ग्राम, ठीक है। 0.1 ग्राम जो है वो हम लोगों ने फ्रेश प्लांट सैंपल लेना है और उसको ग्राइंड करना है। ग्राइंड करने के बाद जो है वो इसमें हम लोगों ने 2 मिलीलीटर जो है वो मैंथोनॉल डालना है, और इसको फर्दर जो है वो डाइल्यूट कर देना है विद 2 ml डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि सैंपल लेना है, उसको ग्राइंड करना है, और इसमें हम लोगों ने मैंथोनॉल डाल के उसको फिर डाइल्यूट कर देना है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि एड द 1 ml ऑफ एक्सट्रैक्ट टू अ टेस्ट ट्यूब लेनी है, और इसमें हम लोगों ने 1 ml जो है ना बस बनाए हुए वैसे ले लेना है और ऐड करा देना है 1 ml ऑफ द 0.01 मोलर SPI के ऊपर। हम लोगों ने सोडियम जो है मेटाबोलाइट जो बनाया था वो हम लोगों ने इसमें ऐड करा देना, एंड ऐड द 0.5 ml ऑफ द एसिडिक एसिड, ठीक है। और 0.5 ml जो है हम लोगों ने एसिडिक एसिड डाल देना। फिर उसके बाद इसको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर बाथ में लेकर जाना है, कितने टाइम के लिए, 10 मिनट्स के लिए, और कितने 100 सेंटीग्रेड तक।
इसको जो है वो बॉयल करना है 10 मिनट्स के लिए और कितने टेम्परेचर पर 100 सेल्सियस पे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने ऐड करा देना 1 ml ऑफ द 0.001 जो है ना हम लोगों ने MBGS जो है वो सोल्यूशन इसमें ऐड कर देना और फिर दोबारा से इसको हीट कराना है कितने टाइम के लिए, इट्स अबाउट 20 मिनट्स जो है उसको हीट कराना है। फिर उसके बाद कूल करवाना है सोल्यूशन को एट द रूम टेम्परेचर एंड टेक द ऑब्जर्वेंस एट द 470 नैनोमीटर इन द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बेसिकली क्या है कि ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पर जो है वो डिफरेंट कंपाउंड जो है वो कि जो मतलब किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं उनकी डिटर्मिनेशन होती है, क्योंकि उनमें जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट लाइट्स को ट्रांसमिट करते हैं या फिर ऑब्जर्व करते हैं और एट दिस बेसिस वो डिफरेंट वेवलेंथ के ज़रिए से जो है वो शो करवाते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड जो है वो इसके अंदर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट एस्टिमेशन होता और द डिटर्मिनेशन ऑफ द कोलाइड। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम वी विल कम विद अनदर इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स। अल्लाह हाफिज़।